नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला पॉइंट यह हो गया कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक प्राइमरी पैरामीटर है फार्माकोकाइनेटिक्स के। जो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनमें से जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वन ऑफ द प्राइमरी पैरामीटर ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक। इस फार्माकोकाइनेटिक में मेनली फोर प्राइमरी पैरामीटर्स हम लोग फिक्स करते हैं, डिसाइड करते हैं। सबसे पहला है कि एब्जॉर्प्शन के लिए जो प्राइमरी पैरामीटर है, दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मेटाबॉलिज्म के लिए है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। और एक्सक्रीशन के लिए है रीनल क्लियरेंस। ये चार की चार प्राइमरी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं। इन चार में से आज का हम लोग जो डिस्कस करेंगे, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत आसान है, इसके नाम से ही क्लियर है, वर्ड से ही क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है और उस बॉडी फ्लूइड की जो वॉल्यूम है और जो जितना वॉल्यूम उस ड्रग को रिटेन कर रही है कि हमने जो ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया और बॉडी जब ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो जितने बॉडी फ्लूइड के द्वारा ड्रग रिटेन की जा रही है आफ्टर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग थ्रू आउट द बॉडी एंड एट द इक्विलिब्रियम स्टेज। मैं वर्ड ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वर्ड कि आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम स्टेज एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, तो जितना हमारी बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम उस ड्रग को रिटेन करेगी, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं इट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे दो वर्ड आई, एक वर्ड हम लोग कहा डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम और दूसरा हम लोगों ने कहा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन जब हम किसी भी ड्रग के मोनोग्राफ को स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, किसी ड्रग के अंदर लिखा होगा कि इट हैज ए ब्रॉड या दिस ड्रग हैज बीन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। मीन्स उस ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्रॉड है, वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा थ्रू आउट बॉडी के अंदर। और किसी किसी ड्रग में लिखा होगा कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इट इज द रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हुआ कि जो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया गया और वो जो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। कुछ ड्रग ऐसे होंगे जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कुछ ड्रग ऐसे होंगे जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड है। जबकि हमारे डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहेंगे हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड दैट रिटेन द ड्रग एट द आफ्टर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी एट द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम स्टेज। इसका मतलब है कि इस हमारे डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है। जब ड्रग हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि टिश्यू वॉल्यूम, ब्लड परफ्यूजन टू द ऑर्गन, ड्रग मॉलिक्यूल का साइज, लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द ड्रग, टिश्यू बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द ड्रग, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, ओबेसिटी ऑफ द पेशेंट, डिजीज इन द पेशेंट लाइक कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस, यूरेमिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं और उसके चलते जो ड्रग होगा वो हमारे बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। इसका मतलब यह है कि हमारे डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो हमारे जो डेफिनेशन है हमारे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैच नहीं कर रही है। अब ये जो मैच नहीं कर रही है इसका कंफ्यूजन लोग बाद में दूर करेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हम जब किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल स्टडी कर रहे होते हैं तो ड्रग का जब लोडिंग डोज डिसाइड करना होता है तो वहां हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। ड्रग का यदि हमें हाफ लाइफ को वेरीफाई करना है तो हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा उसके ड्रग के हाफ लाइफ को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि किसी भी मेडिकेशंस के डायलिसिस के द्वारा हम उसका क्लियरेंस कर रहे हैं तो मेडिकेशंस की कितनी क्लियरेंस हो रही है आफ्टर डायलिसिस वो हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगा सकते हैं। किसी भी ड्रग का ओवरडोज हो गया है और ओवरडोज के बाद हमारी बॉडी के अंदर ड्रग के या प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कितना कंसंट्रेशन है इसका भी हमें इंफॉर्मेशन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मिल जाती है। लेकिन अब परेशानी क्या हो गई कि हम जो डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का वो प्रैक्टिकली हमारे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैच नहीं कर रही है।
चलिए इसको हम बाद में क्लियर करेंगे क्यों नहीं मैच कर रही है। अभी हम लोग एक डेफिनेशन और लेते हैं। सपोज करें कि हम अपने बॉडी के अंदर किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर किया और एक्स अमाउंट ऑफ द ड्रग है वो हमारे बॉडी के प्लाज्मा के अंदर है और बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पे क्या होगा कि जो सपोज हम इसे अपने इसे इक्वेशन से देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे कि हमारे पास अमाउंट ऑफ द ड्रग है दैट इज द एक्स ग्राम और हमारे जो प्लाज्मा के अंदर जो ड्रग है दैट इज द सी ग्राम। मीन्स क्या कहा जा रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर ड्रग का लेवल बढ़ेगा तो ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगी और जब प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी डिक्रीज होगी। दोनों प्रोपोर्शनल है। यदि हम प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा और यदि प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन हम कम करेंगे तो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन भी स्लो हो जाएंगे। मीन्स क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। यदि हम इस इक्वेशन को थोड़ा वेरीफाई सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वी डी इन टू सी। यहाँ पे जो VD है इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इट इज द वॉल्यूम ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हो गया X अपॉन C मींस कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। अब इससे एक और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ रही है। उस डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया हमने वर्ड यूज किया दैट इज द वीडी मींस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। मींस कि ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड अमाउंट ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा या कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा इट इज इज बी कॉल्ड एज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हम इस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं तो एक बात हम थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लें कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फिजियोलॉजिकल मीनिंग नहीं है क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली ड्रग हमारी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। तो जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी तो इसका कोई भी फिजियोलॉजिकल मीनिंग नहीं रह रहा है। हम वर्ड यूज करें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ वॉल्यूम मतलब क्या हुआ स्पेस। मींस कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेस होगा जिसके लिए हम लोग यूज वर्ड यूज करें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बात और क्लियरिफाई कर लें कि यह कोई फिजिकल स्पेस भी नहीं है कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए फिजिकल स्पेस। हाँ ये जरूर है कि इट इज अ डायल्यूशन स्पेस कि हमारी बॉडी के अंदर ड्रग कितनी डायल्यूट हो रही है उसकी जो डायल्यूशन स्पेस है उसके बारे में हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल जाता है। मीन्स क्या हुआ अभी जब हमने क्या स्टडी किया कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट दैट इज द रेशियो of the amount of drug in the body and the concentration of the drug in the plasma and it has no physiological meaning because drugs are not uniformly distributed. It does not indicate any physical space in the body but it is a dilution space inside the body or is kya kehte hain it is the volume of distribution. Ab ye jo volume of distribution hai जो कंफ्यूजन हमारे पास आ गई कि डेफिनेशन कुछ और कहा जा रहा है और जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो वहां पे कुछ और चीजें आ रही है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बारे में। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक हम नाम देंगे अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हम नाम देंगे रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दो वर्ड हो गया अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा वर्ड हो गया रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यहाँ पे वर्ड तीन वर्ड है अपेरेंट वॉल्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपेरेंट वर्ड है इस अपेरेंट वर्ड का क्या मीनिंग है। यदि हम इसको इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो अपेरेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है सीम्स टू बी ट्रू बट नॉट ट्रू। मीन्स ये ऐसा महसूस हो कि ये सही है लेकिन वो सही नहीं है तब उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज द अपेरेंट। दूसरा वर्ड आ गया हमारा अपेरेंट वॉल्यूम। अपेरेंट वॉल्यूम मतलब क्या हुआ ये कहा जा रहा है कि बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम हमारे बॉडी के अंदर है हमें ऐसा लग रहा है कि इतना वॉल्यूम है लेकिन वैसे उतना वॉल्यूम एक्चुअल में है नहीं।
तब हम उसे क्या कहेंगे, इट इज द एपेरेंट वॉल्यूम। और जब मैं पूरे इस एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर लेंगे, वर्ड मैं समझ मैं क्लियर कर पा रहा हूँ आप लोगों को, एक वर्ड हो गया एपेरेंट, जान गए क्या है एपेरेंट वॉल्यूम क्या है। अब आगे हमारी बारी जो वर्ड हमारा है दैट इज द एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि इट इज ए हाइपोथेटिकल वॉल्यूम। कंफ्यूजन थी पहले, अब उसकी उस चीज को क्लियरिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इट इज ए हाइपोथेटिकल वॉल्यूम और इट इज ए थ्योरेटिकल वॉल्यूम एंड इट हैज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ए हाइपोथेटिकल वैल्यू, इट इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू एंड इट हैज ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। और ये कहां पे हो रहा है, तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम आफ्टर द इक्विलिब्रियम स्टेज। देखिए अब इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं है, हम कहेंगे एट द स्यूडो इक्विलिब्रियम स्टेज, तब हम उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज द एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन को, कि एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ए हाइपोथेटिकल वैल्यू, इट इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू एंड इट इज ए इट हैज ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट रेशियो, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट दैट इज रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा एट स्यूडो इक्विलिब्रियम स्टेज। तब जब ये पोजिशन आएगी, जो वॉल्यूम होगी, उस वॉल्यूम को क्या नाम देते हैं, इट इज द एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं समझ रहा हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद हम लोग आते हैं दैट इज द रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि हमारे बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड है। पर हम ये जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो कौन कौन से बॉडी फ्लूइड है। सबसे पहला तो हो गया कि वैस्कुलर फ्लूइड है। वैस्कुलर फ्लूइड मतलब कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा है और वो वॉल्यूम होती है उसकी 6 लीटर। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है, जो वैस्कुलर फ्लूइड है, दैट इज द 6 लीटर। अब क्या होगा कि ड्रग ब्लड से एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड में एंटर करती है, तो जो एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड है दैट इज एक्सेप्ट प्लाज्मा, प्लाज्मा को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड है उसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा, दैट इज द 12 लीटर। और ड्रग पहले क्या हुआ, ड्रग वास्कुलर फ्लूइड में हुआ, वास्कुलर फ्लूइड से वो कहां एंटर किया, एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड से वो कहां एंटर करेगा, सेल्स के अंदर। तो सेल्स के अंदर ही फ्लूइड है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है, दैट इज द एप्रोक्सीमेटली 24 लीटर। मींस हमारे बॉडी के अंदर जो ड्रग, जो बॉडी फ्लूइड है, उस बॉडी फ्लूइड का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज द 42 लीटर। मींस हमारे बॉडी जो बॉडी फ्लूइड को रिटेन करती है, हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है उसका वॉल्यूम है दैट इज द 42 लीटर। और यदि हम किसी ड्रग को इस बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे तो वो इन्हीं फ्लूइड के अंदर वो रहेगा, और जब इन फ्लूइड के अंदर रहेगा और उस वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं तो उसका हम नाम देते हैं इट इज द रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कि ये एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है, मतलब तो ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कह रहे हैं ये थोड़ा सा गलत होता है। कैसे गलत होगा वो हम लोग देखते हैं। सपोज करें कि हमारे पास कोई ड्रग है, उस ड्रग की जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लो मीडियम एंड हाई। यदि सपोज करें कि उस ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है लो है, सपोज करें उस ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द 10 लीटर। अब 10 लीटर उस ड्रग का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हम मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्रग जो होगा वो ड्रग हमारी कुछ अमाउंट वास्कुलर फ्लूइड में होगा और वहां से ड्रग मूव करके कुछ अमाउंट कहां जाएगा, हमारे एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड में। मींस इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होगी, वो जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में रह जाएगी और वो हमारे एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड में चली जाएगी, तो उसे कहेंगे दिस ड्रग हैज अ लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा वर्ड हम लोगों ने यूज किया दैट इज द मीडियम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब वर्ड हम यूज करेंगे मीडियम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज करें कि उस ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज द 35 लीटर। 35 लीटर मतलब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट है, बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है दैट इज द 42 लीटर। तो लगभग ये हमारे बॉडी के अंदर हर एक पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और इसको हम लोगों ने वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया दैट इज द 35 लीटर। यदि किसी ड्रग का माने थर्ड कैटेगरी है दैट इज द हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सपोज करें कि उसका जो वॉल्यूम आ रहा है दैट इज द 10,000 लीटर, ये 40,000 लीटर तक जा सकता है।
अब यहां पे कंफ्यूजन हो गई कि हमारे बॉडी के अंदर जो ड्रग वॉल्यूम है बॉडी फ्लूइड का दैट इज द 42 लीटर, लेकिन हम यहां पे वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन जो कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जो कैलकुलेशन हो रही है वो क्या हो रही है हमारी 10,000 लीटर, इट मे बी अप टू द 40,000 लीटर। तो अब यहां से कंफ्यूजन हो गई, तो ये इसका मतलब क्या है कि जो हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं वो ऐसा नहीं होता, इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स है जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं, और जब हम उन फैक्टर को इंक्लूड करते हैं और जब हम उस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे तब हम उसका नाम क्या देते हैं, इट इज द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होंगी कि जो रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और उसका कारण सिर्फ ये है कि जो इसके जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम और हमारे जो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है दोनों आपस में एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। अब जो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस क्यों आ रही हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे लेते हैं, लेकिन थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद फिर लोग आगे स्टडी करेंगे, आगे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर्स के चलते वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होती है और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाती है, और कभी कभी ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जो बॉडी फ्लूइड है उससे भी ज्यादा हो जाती है। अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और कुछ ड्रग की जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, जो बॉडी फ्लूइड की जो वॉल्यूम है उससे बहुत ज्यादा उस ड्रग की एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट होती है। अब ये मिसमैच क्यों है उसके बारे में अभी हमें क्लेरिफाई हो जाएगी, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उस पॉइंट को क्लियर करने से पहले एक बात हम लोग अंडरलाइन कर लें कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी जो यूनिट होती है दैट इज द लीटर। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों किसी ड्रग का जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम से भी बहुत ज्यादा होता है। इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, सपोज करें कोई हमारे पास ड्रग है, उस ड्रग की जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो लो है, मतलब को बॉडी में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रही है, वो बॉडी के बॉडी प्लाज्मा के अंदर ही रह जा रही है। अब हमारे पास ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के इधर हमारी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और इधर भी हमारी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, और यहां पे हमारी ब्लड प्रोटीन्स है जो सर्कल दिखाई दे रहा है, दिस इज द ब्लड प्रोटीन्स। सपोज करें कि हमारे पास 10 मिलीग्राम ड्रग है और जो एक डॉट है दैट रिप्रेजेंट 1 मिलीग्राम। जिस ड्रग की लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ड्रग का क्या होगा कि उनका मैक्सिमम जो अमाउंट होगी वो ब्लड वेसल्स में रह जाएंगे और वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड में एंटर नहीं करेंगी, या वो बहुत ही कम एंटर करेंगी, और जब यहाँ एंटर नहीं करेंगी तो टिश्यू तक भी नहीं पहुंचेंगी, और इसका जो मैक्सिमम नंबर है वो नंबर कहाँ रह गया हमारा, इनसाइड द प्लाज्मा। अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1.1 मिलीग्राम के बराबर है, यहाँ पे डॉट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मींस हमारे पास 9 मिलीग्राम ड्रग जो हमने 10 मिलीग्राम बॉडी के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर किया, 10 मिलीग्राम ड्रग ब्लड के अंदर एंटर कर गया, और वो एंटर करने के बाद उसकी जो 9 मिलीग्राम ड्रग है वो ब्लड वेसल्स में रह गई और सिर्फ 1 मिलीग्राम ड्रग हमारी एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड में हो गई या वो टिश्यू के अंदर एंटर कर गई। अब जब इसके हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, हम लोगों ने क्या डेफिनेशन में स्टडी किया था कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रेशियो अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। हमारे पास अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी कितना है, 10 मिलीग्राम, मींस 9 मिलीग्राम ब्लड वेसल्स में और 1 मिलीग्राम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। 10 मिलीग्राम हमारी अमाउंट ड्रग हो गई, और ब्लड के प्लाज्मा के अंदर कितनी ड्रग है, तो 9 × 6, 9 / 6 मींस हमारे 6 लीटर प्लाज्मा है और इस 6 लीटर प्लाज्मा में ड्रग का कितना अमाउंट है, दैट इज द 9 ग्राम। दिस इज द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो गया 10/1 मल्टीप्लाइड बाय 6/9, मींस इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दैट इज द 6.6 लीटर। तो हमने देखा कि जो ड्रग वो ब्लड वेसल्स के अंदर रह जाएंगी और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कम एंटर करेंगी या नहीं एंटर करेंगी, तब उस ड्रग की जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वो लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और यहां पे वर्ड हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लगा लेकर क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट इज द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
अब ऐसा क्यों होता है, चलिए कैसा क्यों होता है उसको बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम तीनों का स्टडी करते हैं। दूसरा उन्होंने स्टडी किया कि मीडियम अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर, हमारे पास कोई ड्रग है, ड्रग एक्स या ड्रग वाई, कोई भी ड्रग है, उस ड्रग को हमने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया, वो ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर किए और उनमें से 1, 2, 3 ड्रग है वो फ्री फॉर्म में रह गए ब्लड प्लाज्मा में, एक ड्रग है मॉलिक्यूल है वो हमारी कंबाइन कर गई प्लाज्मा प्रोटीन से, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 6 मॉलिक्यूल है वो एंटर कर गई इनसाइड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मींस ये 10 ग्राम ड्रग है तो 10 ग्राम ड्रग में से 3 ग्राम ड्रग है जो प्लाज्मा के अंदर है, 3 ग्राम ड्रग है जो फ्री फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर है, और बाकी के जो 7 ग्राम ड्रग है वो कंबाइन हो गई, या तो टिश्यू ब्लड प्रोटीन के साथ कंबाइन हो गई या वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर एंटर कर गई। अब हमने इसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 10 मिलीग्राम अमाउंट ऑफ द ड्रग इनसाइड द बॉडी डिवाइडेड बाय 3, जो फ्री मॉलिक्यूल्स है वो कितने हमारी 3 ग्राम है और प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना है 6 है, तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/1 × 6/3 इसका जो 23.3 लीटर, तो हम कहेंगे इट इज द मीडियम अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं हाई अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होगा, सपोज करें हमारे पास कोई ड्रग है, हमने 10 मिलीग्राम ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया या ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर हुआ, उस 10 मिलीग्राम में से 1 मिलीग्राम ड्रग प्लाज्मा में रह गई और जो 7 मिलीग्राम ड्रग हमारी एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड में एंटर कर गई और 2 मिलीग्राम जो ड्रग है वो ब्लड प्रोटीन के साथ कंबाइन हो गई। मींस जो फ्री ड्रग का नंबर है वो अमाउंट है वो कितना है, दैट इज द 1 मिलीग्राम इन द प्लाज्मा, मींस प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या हो गया, दैट इज द 1 मिलीग्राम। अब इसको फॉर्मूला रखेंगे अमाउंट ऑफ द ड्रग डिवाइडेड बाई द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, अब यहां क्या होगा 10/1/6, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/1 × 6/1 और ये क्या हो गया हमारा, दैट इज द 60 लीटर। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो 60 लीटर है हमारा, ये टोटल बॉडी वाटर है, ये टोटल बॉडी फ्लूइड है उससे बहुत ज्यादा है, मींस ये जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे नॉर्मल फ्लूइड से वॉल्यूम से भी ज्यादा हो गई और इसे हम क्या कहेंगे, इट इज द हाई अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझते होंगे कि जब हम किसी भी ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग ब्लड वेसल्स में जाएंगी, ब्लड वेसल्स से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो टिश्यू के अंदर एंटर करेंगी और ब्लड वेसल्स में भी जाएंगी जो प्रोटीन के साथ कंबाइन कर लेंगे। तो जो ड्रग प्लाज्मा के अंदर फ्री फॉर्म में अवेलेबल है उनके नंबर हम लोग यूज करेंगे, जो ब्लड के वेसल्स के अंदर है और वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन कर गई तो हम ये नहीं कहेंगे इट इज अ प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन फ्री ड्रग का नंबर देखेंगे, तो यहाँ पे फ्री ड्रग क्या है 1 है और मतलब क्या होगा कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका लो डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी होगा, ये हो गया हमारा लो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द मीडियम अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस वन इज द हाई अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई ड्रग कि जो अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो लो होगी, क्यों किसी ड्रग की अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम होगी और क्यों किसी ड्रग की अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगी, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यदि कोई ड्रग जिसका हम कह रहे हैं जिसका लो अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ड्रग लिपिड इनसॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल होने के चलते क्या होगा कि ड्रग जो होंगी वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को, हमारे जो प्लाज्मा हमारे जो ब्लड कैपिलरीज के मेम्ब्रेन है उनको आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएंगे और जब वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो वो ड्रग प्लाज्मा के अंदर ही रहेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो जाएगा या कम हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि एक्सटेंसिव प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है तो हमारी प्लाज्मा के अंदर लेकिन वो प्रोटीन जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनके साथ वो बाइंड कर गई, यदि उनके साथ वो बाइंड कर जाएंगी तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी स्लो हो जाएंगी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। तीसरा हो गया कि हाई मॉलिक्यूलर रेट, सॉरी वेट ही है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट में क्या होगा कि जो ड्रग की जो मॉलिक्यूल की साइज होगी वो साइज बड़ी हो जाएंगी और जब साइज वो लार्जर हो जाएंगी तो क्या होगा, वो जो कैपिलरी की वॉल है उनको क्रॉस नहीं कर पाएंगी और जब वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी तो उनका ड्रग उस ड्रग का बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि आयोनाइजेशन ऑफ
ऑफ द ड्रग. आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग मतलब क्या हुआ कि ड्रग को हमने बॉडी में डाला, प्लाज्मा में डाला और वह आयोनाइज हो गया. जब वो आयोनाइज हो जाएंगे तो उसकी लिक्विड सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएंगी और जब वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या जो हमारी जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन है इस कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे आसानी से और जब वो क्रॉस नहीं करेंगे तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी लो हो जाएंगे. और नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट इज द हाई हाइड्रोफिलिसिटी. यदि ड्रग पोलर ड्रग है उसकी हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा है तो वैसे ड्रग भी प्लाज्मा के अंदर ही रहेंगे, वो आसानी से ब्लड कैपिलरी क्रॉस नहीं कर पाएंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा. और यदि ये जो चार पांच प्रॉपर्टीज किसी भी ड्रग के अंदर पाई जाएंगी तो उस ड्रग की जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी द लो. मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि लो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट इज ए लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग. इट विल हैव द एक्सटेंसिव प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. इट हैज हाई मॉलिकुलर वेट या हाई मॉलिकुलर साइज, लार्ज मॉलिकुलर साइज. इट हैज आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी और इट हैज हाई हाइड्रोफिलिसिटी. मीन्स इस तरह के जो ड्रग होंगे उस ड्रग की जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया वारफेरिन. वारफेरिन जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 10 लीटर आता है. उस तरह से जेंटामाइसिन जो कि आयोनाइजेशन इसकी हो जाती है तो जेंटामाइसिन की जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होती है दैट इज द 18 लीटर और इसको रखेंगे अंडर कैटेगरी ऑफ द लो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब नेक्स्ट पॉइंट आ गई कि मॉडरेट एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. किस ड्रग मॉलिक्यूल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो मॉडरेट होगी. यदि कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है मतलब आसानी से वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी इस ब्लड कैपिलरी को वो क्रॉस कर जा रहा है, लेकिन यदि वो ड्रग टिश्यू के अंदर आसानी से एंटर नहीं कर रहा है या उस ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग नहीं हो रही है और यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जा रहा है लेकिन एक्स्ट्रा फ्लूइड से आसानी से उस सेल के अंदर टिश्यू में एंटर नहीं कर रहा है, तो जो ऐसे ड्रग होंगे उस ड्रग को क्या कहेंगे, इट इज द मॉडरेट एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल कि कोई ड्रग है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी वो लिपिड सॉल्युबल है या ड्रग है जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ही कम है वैसे ड्रग की जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी द मॉडरेट एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और लास्ट नंबर आ गया दैट इज द हाई एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अभी जो हाई एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये वॉल्यूम 40,000 लीटर तक हो सकता है जो कि 42 लीटर से बहुत 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 ज्यादा है. मींस किसी भी ड्रग का जो एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप टू 40,000 लीटर तक भी जा सकता है. वो कैसे ड्रग का जाएगा, जिस ड्रग की बहुत स्ट्रांग एफिनिटी है विद द टिश्यू बाइंडिंग, जो ड्रग बहुत स्ट्रांगली टिश्यू से बाइंड हो रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा होंगी और उनके एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत गिर जाएंगे. या कोई भी ड्रग है जिसका लिटिल या बहुत ही कम अमाउंट प्लाज्मा के अंदर रह रहा है तो उसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा. कोई और इस तरह जो ड्रग होंगी उनका जो एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा. जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं डिजॉक्सिन, प्रोप्रानोलॉल, मॉर्फिन, क्लोरोक्वीन, वेरियस पॉइजन. अब देखिए यहाँ पे हम इसका जो लो का क्या एग्जाम्पल होगा, हमारे पास वारफेरिन है, जेंटामाइसिन. मॉडरेट का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं थियोफाइलिन और जो हाई है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे डिजॉक्सिन, प्रोप्रानोलॉल, मॉर्फिन, क्लोरोक्वीन, वेरियस पॉइजन एक्सेट्रा. इस जो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिस ड्रग की होती है वो ड्रग बहुत आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती है, बहुत आसानी से बॉडी से एलिमिनेटेड नहीं होती है. उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो काफी लॉन्गर होता है. यदि सपोज करें कि किसी पर्सन के पास पॉइजनिंग हो गई और वो जो पॉइजन है उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसके पॉइजनिंग को ट्रीट करने में बहुत परेशानी होगी क्योंकि उसका हीमोलाइसिस भी करेंगे, उसका डायलिसिस भी करेंगे तो आसानी से वो पॉइजन टिश्यू से बाहर नहीं आएंगे और वो आसानी से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं होंगे. तो इस तरह हमने देखा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसे हम क्यों एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. मैं समझ रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ड्रग टिश्यू के साथ बाइंड कर सकती है, प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकती है, इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी है, हाइड्रोफिलिसिटी सी है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं कि वो जो टिश्यू के अंदर एंटर कर गया तो ऑटोमेटिकली उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगी. और यदि यहाँ प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया मतलब क्या हुआ कि उसके एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगी. और इन्हीं बाइंडिंग के चलते किसी भी ड्रग का जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू द रियल ब्लड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इनसाइड द बॉडी. किसी जो ड्रग्स हैं ड्रग्स की जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिनिमम 4 लीटर से स्टार्ट होती हैं और मैक्सिमम 40,000 लीटर तक जा सकती हैं.
यह एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक ड्रग की अपनी एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस में ये एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। जैसे सपोज करें कि पेशेंट है बहुत ओवेज है, तो उस कंडीशन में ये जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चेंज रहेगा। पेशेंट किसी डिजीज से सफर कर रहा है, जैसे उन्हें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उन्हें सिरोसिस है, यूरेमिया है, या कोई और कोई डिजीज है, तो उस कंडीशन में उनका जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चेंज हो जाएगा। या बॉडी के अंदर कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई जो ड्रग के प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट कर रहा है, या ड्रग के टिश्यू बाइंडिंग एफिनिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स होती है, और वो हम लोग कह सकते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द दैट ड्रग, और जिसका यूज हम लोग करते हैं इसे एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियस फील्ड है, जैसे कि किसी ड्रग का हमें लोडिंग डोज डिसाइड करना हो, किसी ड्रग के हाफ लाइफ को वेरीफाई करना हो, किसी भी ड्रग के जो क्लियरेंस है उस क्लियरेंस को देखना हो, डायलिसिस के समय जो क्लियरेंस हो रही है क्लियरेंस कितनी हुई है जानना हो, हमारी जो पॉइजनिंग हो गई है तो पॉइजनिंग कंडीशन में, या ओवर डोजिंग हो गई है ओवर डोजिंग कंडीशन में, प्लाज्मा के अंदर ड्रग का क्या कंसेंट्रेशन है वो कितना होगा, इन सभी चीजों को जानने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की मदद मिलती है। और इस तरह उन्होंने कंप्लीट किया आज टॉपिक ये, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी पॉइंट समझ में आ गई होंगी और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट सारी क्लियर हो गई होंगी कि हम इसे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।